एम से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शमशेर खरकड़ा ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि हल्का महम के गांव से गुजरने वाले नए नेशनल हाईवे नंबर 152D की प्रक्रिया शुरू होने से हल्के में खुशी का माहौल है। खरकड़ा ने पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री मनोहर लाल व केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताते हुए कहा कि ये सब मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री जी के प्रयासों से हो पाया है। शमशेर खरकड़ा ने बताया कि हाईवे 152D बनने से जयपुर से चंडीगढ़ और हरियाणा के जिन जिलों से यह हाईवे गुजरेगा वहां के लोगों की चंडीगढ़ जाने में समय की काफ़ी बचत होगी। शमशेर खरकड़ा ने बताया कि इस हाईवे को कलानौर के खेरड़ी मोड़ से लेकर जिन जिले के किला जफरगढ़ गाँव से होते हुए सफीदों व अंटा तक 24 फीट चौड़ा रोड बनाया जा रहा है जिससे करनाल तक का सफर कम हो जाएगा। बीजेपी नेता शमशेर खरकड़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा लूट व झूठ की राजनीति करने वाले नेता हैं जो कहते फिर रहे हैं कि किसानों की पेमेंट जल्दी करो। खुद के राज में तो 5 साल में एक बार पेमेंट करते थे और आज अपने आप को किसानों के हितैषी नेता कहते फिर रहे हैं। अगर किसानों के असली हितैषी नेता हकीकत में कोई है तो वह है मनोहर लाल खट्टर। रेल का निर्माण कार्य जारी है। राजाली बोर जो है उसके 13 सितंबर को टेंडर लगे हैं। ये अब 12 फुट है, 12 फुट से ये 24 फुट की खरड़ी मोड़ से ये इधर बसाना, बसाना से खरकड़ा मोखरा के बीच से होती हुई आगे भराणा जाव के बीच से होती हुई मैसी, मैसी से किला जफरगढ़, किला जफरगढ़ से हथवाड़ा, तिल्लूखेड़ा के पास से होती हुई सफीदों, सफीदों से अंटा जोशी होती हुई करनाल का सफर तय कर दिया। इसमें जो मुख्यमंत्री जी ने हमने मांगी थी राजाली गोर, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने नेशनल हाईवे 152D दे के इस इलाके की किस्मत बदल दी, तस्वीर बदल दी, तकदीर बदल दी। ये एक बहुत बड़ा पैसा बचेगा, बहुत टाइम बचेगा और इसमें पैसे की बचत होगी। और ये मुख्यमंत्री जी ने एक किस्म से मैं कहूँगा इस इलाके की जीवन रेखा है। आज जो है नेशनल हाईवे जहाँ कहीं भी है, चाहे दिल्ली से जयपुर है, चाहे दिल्ली से चंडीगढ़ है, ये सारे के सारे हाईवे पूरी तरह से आबाद हो चुके हैं। कई होटल हैं, कई फैक्ट्री हैं, कई फ्लैट हैं, इसी तरह से इलाका आबाद होगा। लोग बात करते हैं नौकरियों की, मैं ये कहता हूँ 7 पीढ़ी का इंतजाम किया मनोहर लाल जी ने और गडकरी जी ने और नरेंद्र भाई मोदी की बहुत बड़ी सोच और दूरदृष्टि है जिसका परिणाम ये हुआ कि आज जो है ये 152D नेशनल हाईवे आया और ये इस इलाके की तस्वीर बदलेगा, तकदीर बदलेगा। इसके अलावा जो 80 रोड तक रेल लाइन को डबल किया, इसके लिए मुख्यमंत्री का योद्धाओं की तरफ से धन्यवाद। और एक धन्यवाद इसलिए कि 15 अगस्त को जो हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री जी ने, मां छोटे जहाजों का निर्माण होगा, बड़े जहाजों की रिपेयर होगी, कार्गो होगी, डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू होने वाली है और कुछ समय के बाद यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की हरियाणा को एक नायाब तोहफा है और इस इलाके के लिए इसलिए नायाब तोहफा है कि हिसार से चल के कोई भी यात्री दिल्ली जाएगा, जयपुर जाएगा, चंडीगढ़ जाएगा तो उसको मैं मौके जाना पड़ेगा तो यहाँ जो है कारोबार बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, लोगों को जो है इसमें व्यापार के तौर तरीके बदलेंगे, यहाँ की तस्वीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और मनोहर लाल जी का। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात की किसानों के लिए, नरेंद्र मोदी जी का इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने लाभकारी मूल्य दिया 50% मुनाफा दिया। पहले समर्थन मूल्य था, समर्थन मूल्य का मतलब था कि लागत दे दो किसान की जिंदा रहने के लिए, उसको सिर्फ जिंदा रखो, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने लाभकारी मूल्य दे के 50% जो लाभ दिया हर फसल पर, ये क्रांतिकारी कदम था। उसके साथ साथ मैं बधाई दूंगा मनोहर लाल जी को और इस प्रदेश के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर जी को कि उन्होंने इस बार शुगर मिलों में इतना जबरदस्त काम किया, इतना क्रांतिकारी काम किया है कि किसान की जो है एक किस्म से खुशहाली में 4 चांद लगाने का काम किया। आज जो है मैम शुगर मिल आज हरियाणा के इतिहास में पहली दफा 27 साल में 43,90,000 क्विंटल गन्ना पीड़ा और रिकवरी भी फर्स्ट जो 27 साल में बेस्ट थ्री में रिकवरी आई। और इसी तरह से
गोवाड़ा सुगर मिल पहली दफा जब से लगया है उसके बाद जो है 40 लाख क्विंटल गंडा पीड़ा, रोहतक सुगर मिल जब कभी नया लगाया था तब भी इतना गन्ने की पिराई नहीं की जितनी पिराई अब की है इस साल की है। इस साल हरियाणा के सारे सुगर मिलों ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, रिकॉर्ड तोड़ जो है उत्पादन हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ जो उत्पादन हुआ है पेमेंट दे दनादन। 15 अगस्त को हमने किसानों को गन्ने की पूरी पेमेंट कर दी, इसके लिए बधाई, कोटि कोटि धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का, सहकारिता मंत्री का कि आज जो है किसान के पास पैसा जा चुका है। भूपेंद्र हुड्डा ने 5 साल में 1,32,00,000 क्विंटल गन्ने की पिराई की, हमने 3 साल में 1,17,00,000 गन्ने की पिराई की, वो पेमेंट दिसंबर तक देता था, आज हमने 15 अगस्त तक पेमेंट दे दी किसान को। मई में जो है सुगर मिल बंद हुआ और हमने जो है 2 महीने बाद पूरे की पूरी पेमेंट दे दी, पहले पेमेंट हर 15 दिन में। और आज जो है भूपेंद्र हुड्डा लूट और झूठ की राजनीति करने वाले कांग्रेसी कहते हैं जल्दी किसानों की पेमेंट करो वरना हम आंदोलन करेंगे। अरे आंदोलन किस बात का, किस मुंह से करोगे? आपने तो दिसंबर तक किसानों की पेमेंट दी थी, तो आपने तो 5 साल में 1,32,00,000 क्विंटल गंडा पीड़ा था, हमने 3 साल में 1,17,00,000 क्विंटल गंडा पीड़ दिया। इसके लिए वो विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाए और तारीफ करें सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर की, मुख्यमंत्री की, कि उनकी जो सोच थी दूरदर्शी सोच थी जिसकी वजह से आज किसान को बहुत बड़ा लाभ हुआ। 32,00,000 क्विंटल की महेंद्र सुगर मिल की जो है कैपेसिटी है, हम 32,00,000 क्विंटल के उसको उठा के और 44,00,000 क्विंटल तक लेके, ये जो है एक मील का पत्थर है किसान के लिए, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। लाभकारी मूल्य दिया, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। स्वामीनाथन 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 सुन सुन के हमारे कान पक गए। 2006 में स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट दी थी और जो है भूपेंद्र हुड्डा को उस कमेटी का चेयरमैन बना था 2014 तक 8 साल में, उस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू नहीं करवा पाए। 10 अगस्त के टाइम्स ऑफ इंडिया में स्वयं स्वामीनाथन जी ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है, उसमें कहा है कि मैंने जो कहा था, जो सिफारिश की थी, नरेंद्र मोदी जी ने उससे बेहतर किया है, ये स्वयं स्वामीनाथन जी कहते हैं। आज ये किस मुंह से आज ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की आलोचना कर सकते हैं जिन्होंने किसानों को 70 साल का बरगलाने का, झूठ बोलने का और किसान को पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद करने का काम किया। आज वो लोग किसानों के लिए घड़िया लिए आंसू बहाते, किसान कौन है? किसान है मनोहर लाल, जो ननाड़ा में किसान के घर पैदा हुआ, बनियाड़ी में आज भी खेती करते हैं, आज भी खेती का धंधा है। और भूपेंद्र हुड्डा जी, उनके पिताजी के 1 एकड़ जमीन, संघ में बैठने के लिए जगह नहीं, पैदा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हुए, उनको पता नहीं गन्ना क्या है, गेहूँ क्या है, सरसों क्या, कभी खेत में नहीं गए। और ये झूठा ही प्रचार करते हैं किसान नेता का, किसान की तकलीफ को भूपेंद्र हुड्डा नहीं मनोहर लाल जान सकता है क्योंकि वो किसान के घर पैदा हुआ है। एन से गुरु चोपड़ा की रिपोर्ट, लाइव न्यूज हरियाणा।